हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम हार्ट टू स्किल सेंटर। आज पढ़ेंगे हम एरे में एलिमेंट को प्रिंट कराना, और जो भी हमने एलिमेंट यानी नंबर या मैंने एंटर्ड कराए एरे के अंदर, उनका सम और उनकी एवरेज किस तरीके से आप निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच कंसोल हेडर फाइल, देन वॉइड मेन। इतना बेसिक तो सभी को आता है। सबसे पहले मैंने लिखा डेटा टाइप, मेरा डेटा कैसा है, इंटीजर इंट लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करना है, माय एरे, कोई भी नाम दे सकते हो एरे के। कितने एलिमेंट मुझे 10 नंबर एंटर कराने, 10, 20 कराने, 20, 50 कराने, 50, जो भी आप देना चाहे। मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे 10 नंबर एंटर कराने। मैंने एक लूप चलाना है कि मेरे पास लूप में 10 बार मैसेज आए, वो 10 नंबर मैं एंटर्ड करूँ। इतना समझ गए। मैंने सम को मान लिया यहाँ पे, ये मैं बाद में डिक्लेयर करती हूँ, इतना ही करते हैं पहले कि 10 नंबर एंटर करा लेते। सबसे पहले फोर लूप चलाना आता होगा आपको। आई इक्वल्स टू 0, 0 से मेरा लूप स्टार्ट होगा, लूप चलेगा लेस देन 10। 0 से स्टार्ट होके 10 से कम चला, यानी 10 से कम 9 तक चला। 0 से 9 तक कितने नंबर हो गए आपके, 10 हो गए ना। तो आपको आपका लूप चला 10 बार। अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, यानी ये लूप 10 बार चला तो ये मैसेज भी कितनी बार आएगा आपका, 10 टाइम्स। यदि लूप के बाहर मैसेज देखते तो मैसेज एक बार आता, और आपकी लूप 10 बार चली तो नंबर आपसे मांगता 10 टाइम्स। स्कैन एफ, यहाँ मैंने लिखा परसेंटाइल डी, जो भी मैं नंबर एंटर करा रही हूँ, एक इंटीजर है तो उसके लिए आपका स्पेसिफायर क्या है, परसेंटाइल डी। एंड मेरा नंबर कहाँ स्टोर होगा, माय एरे में, और आई नंबर के यहाँ पर मैंने डाल दिया ये एलिमेंट। इतना सा प्रोग्राम क्या करेगा, मेरा एक मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, कितनी बार आएगा, 10। ये 10 बार आपसे पूछेगा। आई की पहली वैल्यू क्या है, 0। आई की वैल्यू 0 है तो ये पहला नंबर मांगेगा, मैंने डाल दिया 1। आई की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू में एक एक जुड़ता जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 1, 1, यानी आपके 1 प्लेस पे आपका सेकंड नंबर मैंने 2 एंटर कराया, फिर 3। इस तरीके से ये सिर्फ 10 नंबर एंटर कराएगा। F2 करके मैं फाइल को सेव कर देती हूँ। मैंने इस फाइल को नाम दे दिया सम एंड एवरेज। ऑल्ट F9 कीजिए। यहाँ पर लूप के बाद हमने वॉइड मेन की ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, इसको कर देते हैं। ऑल्ट F9 कीजिए, कंट्रोल F9 कीजिए, एंटर एलिमेंट ऑफ एन एरे। मैंने एंटर कराया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी 10 नंबर आप एंटर करा सकते हैं। ये तो हो गया कि सिर्फ 10 नंबर पूछेगा। अब मुझे वो 10 के 10 एलिमेंट एरे के प्रिंट कराने, यानी जो मैंने 10 नंबर एंटर कराया उनको मुझे प्रिंट कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी लूप क्लोज है, इसके बाद आप क्या करोगे, इस मैटर को यहाँ से लेकर मैंने इस मैटर को कॉपी कर लिया, कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी एंटर शिफ्ट प्लस इंसर्ट, पेस्ट हो गया। मैं लूप को दोबारा कितनी बार चलाया, 10 बार। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी एंटर तो नहीं कराना, मुझे क्या कराना है, प्रिंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी मैं नंबर प्रिंट कराना चाहती हूँ, एक इंटीजर है तो परसेंटाइल डी, यहाँ लिख लेंगे स्पेसिफायर। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी, माय एरे आई। देखिए यहाँ पर जब लूप चला था, आई की वैल्यू 0 थी, तो माय एरे आई 0 इंडेक्स नंबर पे मेरा पहला नंबर एंटर हुआ था, तब आई की वैल्यू 0 प्लस 1, 1 हो गई, उसमें मेरा सेकंड नंबर एंटर हुआ था, तो यानी मेरा पहले 0 प्लेस वाला नंबर यानी पहला नंबर प्रिंट होगा, फर्स्ट प्लेस वाला नंबर यानी दूसरा। इस तरीके से मेरे 10 के 10 नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देती हूँ, आप डेटा टाइप के बाद हम लिखेंगे यहाँ क्लियर स्क्रीन, ताकि पिछला जो मेरा मैंने टाइप किए थे 10 नंबर वो मुझे शो ना हो। जितने भी चेंजेस आपने फाइल में करें, सेव पे क्लिक कर दीजिए, वो सेव हो गए।
ऑल्ट एफ नाइन कीजिए, कंट्रोल एफ नाइन कीजिए। देखिए आज ने पूछा आपसे एंटर एलिमेंट ऑफ एन एरे, 10 बार लूप चलिए तो आप कितने नंबर एंटर कराएंगे यहाँ पर? 10। ऑल्ट एफ फाइव कीजिए, 10 के 10 नंबर एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। अगर मैं चाहती हूँ अलग अलग लाइन में प्रिंट हो तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन। दोबारा देखिए, ऑल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन, मैं नंबर चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर डाले ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और कर दिया मैंने ऑल्ट एफ फाइव। देखिए जो भी नंबर आपने एंटर्ड कराए थे ऊपर 10, वो 10 के 10 नंबर आपके प्रिंट हो गए। इतना समझ गए कि किस तरीके से हम जो भी नंबर एंटर कराए वो आपके प्रिंट हो जाए। उसके लिए आपको दोबारा लूप चलाना पड़ेगा ना, क्लियर? दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आपका है कि हमें सम कराना है। दूसरा क्वेश्चन है सम कराना है और एवरेज, तो सम को हम मान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में सीखा भी था हमने, मैंने सम को मान लिया जीरो। सम क्या है मेरा? जीरो। अब मैंने यहाँ पर जो मेरा लूप चला ये इधर दे दिया, सम इक्वल टू सम प्लस माय एरे, मेरे एरे का नाम माय एरे है, आप कुछ भी रख सकते हैं आई। अब देखिए सम की वैल्यू क्या मानी मैंने, जीरो, माय एरे आई। आई यानी लूप जब मेरा पहली बार चला जीरो प्लेस पे, जीरो इंडेक्स नंबर था मेरा पहला नंबर। लूप मेरा दोबारा चला जब जीरो प्लस वन उसकी उसका प्लेस हो गया वन, वंथ पे आपका जब लूप चला तो सेकंड नंबर, इस तरीके से नंबर। यानी मेरा जो पहला नंबर एंटर हुआ था, मान लीजिए मैंने वन एंटर कराया था, वन टू टेन कराया, तो जीरो प्लस वन वन पहली वैल्यू हो गई सम की वन। फिर लूप दोबारा चला तो सम की वैल्यू वन हो चुकी थी। दूसरा नंबर मैंने एंटर कराया टू, वन प्लस टू थ्री, सम की वैल्यू हो गई थ्री। लूप तीसरी बार चला, मैंने थर्ड नंबर थ्री एंटर कराया तो थ्री प्लस थ्री सिक्स। इस तरीके से टेन नंबर का क्या प्रिंट करा देगा सम। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, यानी सम में जो वैल्यू एक इंटीजर है तो परसेंटाइल डी। और मुझे इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है तो आप दे सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश एन। जितने भी चेंजेस करें सेव पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन, कोई भी 10 नंबर एंटर कराइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑल्ट एफ फाइव कर दीजिए, देखिए 1 टू 10 नंबर प्रिंट हो गया और 1 से 10 का सम 55। इतना कर लेंगे। अब मुझे निकाल लिए एवरेज। एवरेज क्या होती है, मान लिए 1 से 10 का सम हो गया 55, 55 मैं कितने नंबर एंटर कराए 10, 55 को 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या निकलेगी 5.5। बाकी मैंने डेटा टाइप लिया इंट, यानी पॉइंट में आंसर नहीं देगा, तो एक सिंपल बिना डेसिमल नंबर के नॉर्मल नंबर में आपका क्या आएगा इसका आंसर, आपकी एवरेज निकलेगी 5। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल एवरेज ले लिया काउंट। अब मैंने कितने नंबर एंटर कराए उनको काउंट करने के लिए मैंने काउंट को क्या मान लिया, जीरो। जीरो से स्टार्ट होगा ये मेरा लूप, कितनी बार चला है मेरा लूप पहली बार चलेगा तो इसको कर देती हूँ मैं काउंट प्लस प्लस। पहली बार चलेगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी बार चलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी जितनी बार मेरा लूप चला काउंट की वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो यहाँ से तो मेरे को नंबर मिल गए कि कितने नंबर मैंने एंटर कराए उनको काउंट करा लेगा। अब मुझे एवरेज को डिफाइन करना है, तो एवरेज तो आपको पता ही है, 10 नंबर का जो भी सम आएगा, सम में सम है उसका, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देंगे आप, काउंट से। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप इसी लाइन को कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी कीजिएगा और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट। प्रिंट एफ में अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, एवरेज। यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एवरेज की। इतना समझ गए होंगे आप। अब जितने भी चेंजेस करें वो आप फाइल में जाके सेव कीजिए या डायरेक्ट F2 प्रेस कर दीजिए, ऑल्ट एफ नाइन प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए, सक्सेस यानी ठीक बना है। कंट्रोल F9 के बाद यहाँ पर इसने पूछा
एरे के एलिमेंट मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 के 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे मेरे जब मैं इसको ऑल्ट F5 करूंगी। ये सम और ये आपका एवरेज, ना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एरे में हमने आज पढ़ा कि किस तरीके से आप जितने भी नंबर एंटर कराते हैं या जितने भी एलिमेंट एंटर करा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपका डेटा नंबर हो, करेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, उनको आपको प्रिंट कराना, जो भी एंटर करा है मैटर, आपने एरे में उस एलिमेंट को प्रिंट कराना कि जो भी नंबर या नंबर एंटर करा है। तो मैंने उसका सम भी निकाल के दिखा दिया जो कि लास्ट क्लास में भी बताया था। अब जितने भी नंबर एंटर कराए उनको काउंट करके, वो काउंट कैसे होंगे वो भी मैंने आपको बताया, और काउंट करके उसकी हमने क्या निकाली, एवरेज। इतना समझ गए होंगे। तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको C लैंग्वेज की आगे प्रोग्रामिंग की वीडियो आप तक भेज सके। थैंक यू।